हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेस। कल हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 6 भी स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 जो हमारा, इसमें इसका नाम है टॉर्जन, और इसमें सिर्फ आज तक एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जिसे हम आज करेंगे और आज ही कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन इसके करेंगे, कुछ आज करेंगे और कुछ कल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन और टॉर्जन से स्टार्ट करते हैं। टॉर्जन 2017 में क्वेश्चन आया था, वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है टॉर्जन का आज तक। टॉर्जन रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ अ गिवन रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन। जो ये कह रहा है कि टॉर्जन रेजिस्टेंस कैपेसिटी, ठीक है, जो टॉर्जन रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, ठीक है, कंक्रीट सेक्शन में जो कौन कौन सी रेनफोर्स्ड करती है, तो इसमें हमारी एक तो शेयर रेनफोर्स्ड होती है, शेयर रेनफोर्स्ड, एक होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल। अगर मैं इन दो रेनफोर्स की बात करूँ, अगर ये दोनों ही, ठीक है, दोनों को ही अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो टेंशन रेजिस्टेंस है दोनों ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, डिक्रीज द स्ट्रिप स्पेसिंग, ये ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। डिक्रीज विद इंक्रीज द लॉन्गिट्यूडनल बार्स, ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। अगर हम दोनों को बढ़ाएंगे तो तभी हमारा टॉर्जन रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ेगा, ठीक है। डज नॉट डिपेंड, नहीं डिपेंड करता है, तो इंक्रीज विद इंक्रीज द स्ट्रिप एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्टील, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अगर जो हमारा टॉर्जन रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है विद इंक्रीज द स्टिरप एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टील, या तो हम स्टिरप इंक्रीज करें या लॉन्गिट्यूडनल स्टील इंक्रीज करें। स्टिरप होते हैं जो हमारी शेयर रेनफोर्स होती है, शेयर रेनफोर्स, इन्हें ही हमें स्टिरप बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा टॉर्जन ख़त्म हो गया है, अब हम स्टार्ट करेंगे स्लैब बीम एंड लैंटर। नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, द रीड ऑफ द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट ए देखते हैं, अ रेक्टेंगुलर स्लैब। आज हम क्वेश्चन स्लैब के करेंगे, सारे क्वेश्चन स्लैब के होंगे, ठीक है। कल बीम के करेंगे, कल बीम और लैंटर दोनों ख़त्म कर देंगे। स्लैब के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। स्लैब का पहला है, द रेक्टेंगुलर स्लैब विच आर सपोर्टेड ऑन द टू अपोजिट साइड। ये हमारी रेक्टेंगुलर स्लैब है, ये सपोर्ट है हमारी अपोजिट टू साइड बाय यील्डिंग सपोर्ट एंड द यूनिफॉर्म लोडिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू सपोर्ट, ठीक है, वन वे स्लैब। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द सपोर्ट आर वन वे स्लैब, ठीक है। तो हमारी इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारी देखिए, एक तो हमारी टू अपोजिट साइड पर हमारी सपोर्ट लगी हुई है, ठीक है, और यूनिफॉर्म लोड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द सपोर्ट इस तरीके से हमारा लोड लगा हुआ पैरेलल टू द सपोर्ट, ठीक है। तो ये वन वे स्लैब है, जी हाँ, ये वन वे स्लैब है, इसे हम वन वे स्लैब बोलते हैं। वन वे स्लैब, तो हमारी स्टेटमेंट वन जो है वो सही है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाइड इन द एडिशनल बेंडिंग मोमेंट इन द केस ऑफ टू वे स्लैब। अगर टू वे स्लैब की बात करें, ठीक है, इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट एडिशनल डेवलप होता है टू एक्सपेक्ट व्हेन द एलिमेंट इज ओरिएंटेड अलोंग द प्रिंसिपल कर्वेचर्स। देखिए टू वे स्लैब है हमारी, टू वे स्लैब मतलब चारों साइड हमारी सपोर्ट, ये है हमारी टू वे स्लैब। टू वे स्लैब में हमारी जो दोनों साइड, ठीक है, टू वे स्लैब में जो बेंडिंग मोमेंट है वो एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट है, वो हमारा एक्स्ट्रा डेवलप होता है, बेंडिंग मोमेंट भी और ट्विस्टिंग मोमेंट भी, ठीक है।
तो ये इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी हमारा ऑप्शन बी नहीं स्टेटमेंट बी भी हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही है। तो स्टेट बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द रेशो ऑफ इफेक्टिव स्पैन ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम ऑफ द कंसीडर ऑफ द बीम एज डीपर बीम इन द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड एंड द कंटिन्यूस रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम रेस्पेक्टिवली आर। देखिए अकॉर्डिंग टू IS 456 अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 इसमें ठीक है अकॉर्डिंग इसमें हमसे पूछा है ना सिंपली सपोर्टेड बीम का सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम कंटिन्यूस बीम कंटिन्यूस बीम। अब क्या पूछा है इसने बीम एज अ डीप बीम ठीक है कि इसका कितना होता है। तो सिंपल सपोर्टेड बीम का जो होता है वो होता है हमारा 2 और कंटिन्यूस बीम का होता है 2.5। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है ठीक है। ये आपको याद रखना है ठीक है। जो बीम एज अ डीप बीम तो सिंपली सपोर्टेड बीम का 2 होता है और कंटिन्यूस बीम का हमारा 2.5 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिजाइन वैल्यू ऑफ लिमिटिंग स्पैन इफेक्टिव डेप्थ रेशो डिफ्लेक्शन कंट्रोल ऑफ द बीम इज इंडिपेंडेंट ऑफ। लिमिटिंग स्पैन ठीक है लिमिटिंग स्पैन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ रेशो लिमिटिंग स्पैन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ रेशो डिफ्लेक्शन कंट्रोल ऑफ बीम इंडिपेंडेंट किस पर डिपेंड नहीं करता है ठीक है। तो हमारा स्पैन ऑफ द बीम अगर मैं स्पैन इफ लिमिटिंग ऑफ स्पैन की बात करूँ तो स्पैन पर डिपेंड करेगा एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्स पर भी डिपेंड करेगा और सर्विस स्ट्रेस इन द टेंशन रेनफोर्स पर भी डिपेंड करेगा ठीक है। तो ऑप्शन बी क्रीप एंड सिंक केस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए ऑप्शन ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मिनिमम टेंशन रेनफोर्स्ड FE 500 इन द बीम साइज इज 450/600 इफेक्टिव डेप्थ 550 mm इज मिनिमम टेंशन रेनफोर्स्ड मैम। तो इन्होंने मिनिमम की हमारी मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट कितनी है तो हमने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था AST मिनिमम इज इक्वल टू 0.85 BD डिवाइड बाय FY। तो B कितना है हमारा 0.85 BD कितना है हमारा 450/600 नहीं 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 ये तो हमारा स्मॉल ये तो कैपिटल डी है ये है हमारा स्मॉल डी। तो स्मॉल डी की बात कर रहा है तो बी कितना है हमारा 450 और जी स्मॉल डी कितना है 550। ये है हमारा इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी और ये हमारी कंप्लीट डेप्थ बीम की। जैसे ये हमारा बीम है ये है हमारी स्टील यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी स्मॉल डी है और कंप्लीट डिस्टेंस है हमारी कैपिटल डी। तो इसने स्मॉल डी की बात करी अपॉन FY FY कितना हमारा 500। इसे कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 420.75। तो मैं इसे अप्रोक्सीमेटली मान सकता हूँ 420 mm². तो ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट है ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है 420 mm². नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ डेप्थ रिक्वायरमेंट ऑफ द बीम कंसीडर डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया स्पैन एंड लोडिंग। इसमें मैं बात करूँ ठीक है डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ।
डिफ्लेक्शन ऑफ बीम कंट्रोल बाय द स्पैन एंड इफेक्टिव डेप्थ, जो हम डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करते हैं, तो डिफ्लेक्शन को कंसीडर द डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया, डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसमें डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया जो डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करते हैं वो करते हैं हम, एक रेस होता है स्पैन डिवाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ। तो इसमें हमारे तीन बीम होते हैं। फर्स्ट है हमारा सिंपल सपोर्ट कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम, ठीक है। सेकंड है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम, और तीसरा है हमारा कंटिन्यूस बीम। ये हमारा कंटिन्यूस, ये कैंटिलीवर बीम। तो इसका जो रेशो होता है स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ, वो इसका होता है 7, इसका होता है 20 और इसका होता है 25। तो इसके हिसाब से लगाइए कि कौन सा मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा है कंटिन्यूस बीम का, उससे कम सिंपल सपोर्टेड और सबसे कम है कैंटिलीवर का। तो ऑप्शन देखिए इसमें सही कौन सा है, सबसे कम कैंटिलीवर, फिर सिंपली सपोर्टेड, फिर है कंटिन्यूस। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही है, ठीक है, इसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द केस ऑफ वन वे कंटिन्यूस स्लैब द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी, अगर मैं बात करूं आपसे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा वन वे स्लैब में, यह है हमारी वन वे स्लैब, ठीक है। इस पर लगा हुआ है हमारा यूडीएल, ठीक है, और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव, वो ये नेगेटिव है, ठीक है, वो ये है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, और ये है हमारा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। अब देखिए इसमें हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। इंटीरियर द सपोर्ट अदर द एक्स नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट, जी नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा इसमें इनकरेक्ट है। एंड सपोर्ट, एंड सपोर्ट पे भी नहीं होता है, तो एंड सपोर्ट टू द नेक्स्ट एंड सपोर्ट, ठीक है, एंड सपोर्ट टू द एंड नेक्स्ट सपोर्ट, तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही है, ठीक। तो सपोर्ट, जो सपोर्ट है उसे छोड़कर, ठीक है, एंड सपोर्ट को छोड़कर उससे जितने भी आगे की सपोर्ट पर हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें, ठीक है, अगर मैं बताऊँ टू वे सिलैब, ठीक है, टू वे सिलैब, अगर टू वे सिलैब की मैं बात करूँ तो लॉन्ग लेंथ डिवाइड बाय शॉर्टर लेंथ, ये इसका रेशो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए टू से। अब इसके ऑप्शन नंबर दो में देखें, द रेशो ऑफ नेगेटिव टू पॉजिटिव मोमेंट इज 2.5, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव मोमेंट का जो रेशो है वो 2.5 होना इन द फिक्स्ड एंड कंडीशंस, यही ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है, ठीक है। ऐसी बात किसमें नहीं है कि इसका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट और बेंडिंग मतलब मोमेंट, नेगेटिव मोमेंट और पॉजिटिव मोमेंट का रेशो 2.5 से कम होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा इसमें सही है, नहीं तो ऑप्शन ए पढ़िए। द टोटल लोड इन द कैरिंग इन द टू डायरेक्शंस जॉइंटली बाय द स्लैब इट्स सपोर्टेड बीम, ये ऑप्शन भी सही है हमारा, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ टू बीम स्लैब इट्स कैन बी रेनफोर्स्ड मोर इफेक्टिव टू रेजिस्ट द टॉर्जन एंड शेयर, ये ऑप्शन भी हमारा इसमें सही है। द टू वे स्लैब कैरिंग द लेस देन 50% ऑफ द लोड इन ईच डायरेक्शन टू एंड इन द कैरिंग द सपोर्ट बीम
एंड द कॉलम्स, ये ऑप्शन भी हमारा इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द थिन स्लैब एंड वॉल द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड बी लेंटर टू द थिकनेस ऑफ द कंक्रीट सेक्शन। थिन स्लैब, ठीक है, थिन स्लैब है, थिन स्लैब एंड वॉल द मैक्सिमम साइज ऑफ अ कोर्स एग्रीगेट, जो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट है वो 1/4 होता है, 1/4 होता है स्लैब की थिकनेस के। तो द कंक्रीट शुड बी लिमिटेड टू द थिकनेस ऑफ द कंक्रीट सेक्शन, कंक्रीट सेक्शन के जो हमारा कोर्स एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट की साइज जो लेते हैं वो लेते हैं 1/4 ऑफ द कंक्रीट सेक्शन, मतलब या तो स्लैब हो या वॉल हो, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारे इसमें सही है, तो 1/4 इसका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो कैंटिलीवर बीम स्पैन, कैंटिलीवर बीम स्पैन अप टू अ 10 मीटर सेफ्टी वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट, वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट की बात करें और अप टू 10 मीटर स्पैन, 10 मीटर स्पैन, अप टू 10 मीटर स्पैन, अप टू 10 मीटर स्पैन, 10 मीटर से कम स्पैन वाले के लिए एक हमारा कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर सिंपल सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम, एक हमारा कंटिन्यूस बीम, CON कंटिन्यूस बीम। सिंपल सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम और कंटिन्यूस बीम। जो सिंपल सपोर्टेड बीम है इसकी हमारी वैल्यू 20 आती है, और जो हमारा कैंटिलीवर बीम है उसकी हमारी 7 आती है, और इसकी आती है हमें 26। तो इसने बात करी है कैंटिलीवर बीम की, तो कैंटिलीवर बीम का हमारा ऑप्शन सी हमारा इसमें सही है, ठीक है। तो आपको याद सिंपल सपोर्टेड बीम का रखना कितना 20, और कंटिन्यूस बीम का कितना हमारा 26, और कैंटिलीवर बीम का हमारा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इफेक्टिव स्पैन सिंपल सपोर्टेड बीम, इफेक्टिव स्पैन ऑफ सिंपल सपोर्टेड बीम, इफेक्टिव स्पैन, जो हमारी इफेक्टिव स्पैन यह है हमारा बीम, यह हमारी सपोर्ट, जो हम इफेक्टिव स्पैन लेते हैं सिंपल सपोर्टेड बीम का, ये हमारा इफेक्टिव स्पैन, इफेक्टिव स्पैन। तो इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने टॉर्जन्स का कंप्लीट किया है, चैप्टर 5 कंप्लीट किया है, और चैप्टर 6 हमने स्टार्ट कर लिया है, चैप्टर 6 हमने स्टार्ट कर लिया। चैप्टर 6 में स्लैब, बीम और लेंटर, आज हमारा स्लैब कंप्लीट हो गया। बीम के हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, बीम का हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, ठीक है। लास्ट में 2 या 3 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। बीम भी हमारा लगभग 2-3 क्वेश्चंस हो चुके हैं। कल हम लेंटर और बीम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद स्टार्ट होगा हमारा कॉलम, इसके चैप्टर के बाद 7th चैप्टर आगा हमारा कॉलम का, ठीक है। और ये अब कॉलम्स की सिर्फ एक ही क्लास होगी, और फिर उसके बाद फुटिंग है, ठीक है। फुटिंग के बाद फिर हमारा प्री स्ट्रेस है, उसके बाद RCC लगभग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए आज की क्लास को मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। और हाँ, अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना है तो हमारी आपको लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।